हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का फैक्ट्स एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, क्या आप भी एक ट्रू टाटा लवर हो और आप भी चाहते हो एक टाटा की कार ऑप्ट करना और ढूंढ रहे हो अपने लिए ईवी सेगमेंट में एक कार, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। सो गाइस, गुड न्यूज इज हियर, फाइनली टाटा ईवी के कुछ स्पाइड शॉट कैप्चर किए गए हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि कंपनी इस कार को अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। एंड गाइस, अगर आप टाटा की अप्रैल मंथ की सेल्स रिपोर्ट पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि नेक्सॉन के बाद टाटा पंच ही एक इनकी ऐसी कार है जो सबसे ज्यादा सेल होती है। एंड बात करें ईवी की, तो ईवी में नेक्सॉन के बाद जो एक ऑप्शन बचता है वो टियागो है। एंड जो कस्टमर नेक्सॉन और टियागो के बीच में एक ऑप्शन ढूंढ रहा है, उनके लिए टाटा पंच एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सो गाइज, अगर हम इसके स्पाई शॉट्स पे नजर डालें और बात करें कार के फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, बट कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। वो एक्वा ब्लू कलर की एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे कई जगह कार पे, जो आपको दिख बताएंगे कि आप एक ईवी कार में बैठे हो। उसके अलावा फ्रंट में ज्यादा चेंजेस हमारे को देखने को नहीं मिल रहे स्पाई शॉट में। फ्रंट ग्रिल ऑलमोस्ट सेम रखी गई है, बस आपको वो जो मैं बता रहा हूँ, आपको एक एक्वा ब्लू कलर की स्ट्रिप्स देखने को मिलेगी जो कि आपको नेक्सॉन टियागो वगैरह में देखने को मिलती है ऑलरेडी। तो फ्रंट प्रोफाइल से ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है कार में। बात करें कार के साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। ईवी की बैचिंग देखने को मिल जाएगी आपको इस कार में। आपको 15 इंच और 16 इंच टायर साइज का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपको पंच में, करंट पंच में भी मिलता है। बाकी यार, कार ओवरऑल पंच एक अच्छी गुड लुकिंग कार है, तो कुछ ज़्यादा इसमें एक्सटीरियर में चेंजेस करने की मुझे नहीं लगता कोई नीड है और ना ही कंपनी ऐसा कर रही है। तो एक्सटीरियर आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा जो करंट टाटा पंच आ रही है और जो इसका ईवी वेरिएंट आएगा उसमें। सो गाइस, अब बात करते हैं कार के इंटीरियर की। एंड फाइनली इंटीरियर में आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे कई जगह। अब इस कार में, इसके टॉप मॉडल में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ इस कार में आपको जो नेक्सॉन में डायल सेटअप मिलता है, वो डायल सेटअप इस कार में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन हरमन की वो ही मिलेगी जो करंट वेरिएंट में आ रही है टाटा पंच के। इसके अलावा आपको कई जगह एक्वा ब्लू कलर की एसी वेंट्स में और कई जगह एलिमेंट देखने को मिलेंगे जो कि बताएंगे कि आप एक ईवी कार में हो। सीट्स को लेके ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं कार में, सीट्स आपको वही मिल रही हैं जो आपको करंट टाटा पंच में मिलती हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, वो है इसका बैटरी पैक। ये कार आपको दो बैटरी पैक्स के साथ मिल सकती है। एक जो 24 किलोवाट का बैटरी पैक आता है जो कि एक टॉप मॉडल में मिल रहा है टियागो के, और दूसरा बैटरी ऑप्शन आपको मिल सकता है 30 किलोवाट का। तो बात की जाए 24 किलोवाट बैटरी ऑप्शन की, तो इसमें कंपनी आपको 250 की रेंज क्लेम करती है, बट आपको अगर प्रैक्टिकली बोला जाए तो आपको 170-175 अराउंड मिलेगी, जो कि जैसे कि आपको टियागो में भी क्लेम किया जाता है, बट टियागो से आप थोड़ा सा कम लेके चलें बिकॉज वेट भी कार का ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आपको उससे कम रेंज देखने को मिलेगी इसके 24 किलोवाट या 30 किलोवाट दोनों में। बात की जाए 30 किलोवाट के ऑप्शन की, तो 30 किलोवाट की रेंज हो सकती है 250-300 किलोमीटर्स, बट आपको रियल टाइम ये कार 225-230 के अराउंड दे देगी, डिपेंड्स ऑन आप इसको कैसे चला रहे हैं। तो ये बैटरी ऑप्शन इसके साथ आ सकते हैं। इसका आपको एसी डीसी पोर्ट वहीं मिलेगा जहां पे आप फ्यूल रिफिल कराते हैं, उसी सेक्शन में आपको इसका एसी डीसी पोर्ट मिल जाएगा। सो फाइनली बात करें कार की प्राइसिंग की, तो जो इसका 24 किलोवाट बैटरी ऑप्शन है वो आपको कॉस्ट कर सकता है 10.5 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होगा, एंड जो इसका 30 किलोवाट बैटरी ऑप्शन है वो आपका स्टार्ट हो सकता है 14 लाख अराउंड से। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये कार इस साल के एंड से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी होना। एंड जैसे वी ऑल नो कि टाटा ने गुजरात में फोर्ड का प्लांट ले लिया है, एंड उस प्लांट में डेडिकेटली ईवी कार्स ही बनाई जाएंगी, तो वी आर होपिंग कि ईवी की जो डिलीवरी होगी वो और पास होगी एंड इस साल एंड में इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड नेक्स्ट ईयर से ये डिलीवर भी होना स्टार्ट हो जाएगी। गाइस, अगर बात करें करंट टाइम की और अगर आप कंपेयर करोगे बाकी ब्रांड्स को टाटा के साथ, तो ईवी सेगमेंट में टाटा अभी रूल कर रहा है। एंड ये जो प्रोडक्ट आएगा टाटा पंच, तो इसके बाद डेफिनेटली वो जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड टाटा ने आपको ईवी सेगमेंट में तो काफ़ी अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश कर दिया है। एंड अगर आप प्लान कर रहे हो किसी ईवी कार का, तो वेट फॉर दिस कार, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपका अगर कोई आप मिड रेंज ईवी कार ढूंढ रहे हो अपने लिए। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, बहुत शॉर्ट वीडियो थी इस कार के बारे में। इसकी डिटेल वीडियो जैसी ये लॉन्च होगी हम लाएंगे अपने चैनल पे। तो क्या आप लोग भी इस माइक्रो एसयूवी ईवी कार के लिए एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।